राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में दलित के घर बनाया खाना, बैंगन की सब्जी, दाल और भांजी पकाई, कहा वे क्या खाते हैं कम लोग जानते हैं। त्योहारों पर एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग, कंफर्म टिकट नहीं मिलने से बढ़े टेंशन, परिवहन निगम चलाएगा 125 अतिरिक्त बसें। ट्रेनों के बाद अब दिल्ली मेट्रो के खिलाफ साजिश, येलो लाइन पर देरी से चली मेट्रो, द्रव्यों ने सिग्नल केबल को पहुंचाया नुकसान। अयोध्या में भेड़िए की दस्तक, रामलीला देखने जा रही महिला को काटा, दहशत में लोग। राजस्थान में ट्रेन हादसा टला, रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट खोली गई, 44 दिन में चौथी घटना। सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में फाइल की 5,500 पन्नों की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपियों के नाम शामिल। मध्य प्रदेश में चल रही 5 वंदे भारत ट्रेनें, रेलवे के विकास के लिए मिले 14,700 करोड़। यूपी के रायबरेली में बड़ा रेल हादसा टला, ट्रैक पर लगा था मिट्टी का ढेर, लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। संजय रॉय ने ही किया है कोलकाता डॉक्टर का रेप और मर्डर, आरजी कर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। शेयर बाजार पर भारी पड़ा चीन एग्जिट पोल और ईरान इसराइल की लड़ाई, निवेशकों के 6 दिन में डूबे 25 करोड़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर लगाया बहुमत से छेड़छाड़ का आरोप, सत्ता का गलत उपयोग कर रही है बीजेपी। इसराइल हमास युद्ध का आज पूरा हुआ 1 साल, तबाही से पुनर्निर्माण की कोई उम्मीद नहीं। दिवाली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी ईकेवाईसी जरूरी, जल्द कराएं नहीं तो बंद हो सकती है सब्सिडी। केरल में दुष्कर्म के आरोप पर अभिनेता सिद्दीकी से पूछताछ, पीड़िता बोली फिल्म देने के बहाने किया यौन उत्पीड़न। लखनऊ के विधानसभा के बाहर युवक ने किया आत्मदाह, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जनदीप धनगढ़ से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की कोयला खदान में विस्फोट, 5 मजदूरों की गई जान। मुंबई में सोना और चांदी के दामों में उछाल, सोना 71,000 तोला तुम्हें, चांदी 96,900 रुपए किलो। लैंडफॉल जॉब घोटाले मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, तेजस्वी तेज प्रताप और लालू तीनों को मिली जमानत।